के दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। जेल से रिहा होकर मन्नत पहुंचे आर्यन खान। घर के बाहर इकट्ठा हुई भारी भीड़। जेएनयू ने रद्द किया कश्मीर पर वेबिनार। वकील ने दर्ज कराई शिकायत। मशहूर अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन। निर्देशक हंसल मेहता बोले, आज मैं अनाथ हो गया। देश में कोरोना के 14,031 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 549 संक्रमितों की मौत। नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। वहीं कनक भवन में जाकर उन्होंने माथा टेका। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि बहुत अच्छी तरह से भगवान रामलला का दर्शन हुआ है। सौभाग्य से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय वहां पर उपस्थित थे। रामलला के निर्माण के बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में योगी सरकार फिर से वापसी करेगी। बहुत अच्छा दर्शन हुए और सौभाग्य से संपत राय जी उपस्थित थे। न केवल रामलला के नव निर्माण के बारे में पूरी जानकारी दी, रामलला के दर्शन कराए। पूरे परिवार से सहित आया हूँ और रामलला से छत्तीसगढ़ और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना हम सब ने की। बहुत आनंद आया आज यहाँ उपस्थित होकर, और आज निर्माण कार्य देख रहे हैं, जब भव्य निर्माण कार्य होगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ सफाई कर्मियों और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वालों का 5 महीने से वेतन न मिलने से धरने पर बैठे भाजपा नेता। बीते 5 महीने से सफाई कर्मचारियों का वेतन का भुगतान कार्यदायी संस्थान नहीं कर रही है। प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण संस्थान नामक संस्थान के द्वारा इन कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन बीते दिनों इनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। नोडल अधिकारी अनिल कुमार तृतीय ने अधिकारियों के साथ नगर पंचायत दिबियापुर के 2 वार्डों की साफ सफाई और पानी की सप्लाई का निरीक्षण किया और लोगों से पानी सप्लाई को लेकर बात की। इसके साथ ही उन्होंने सीएचसी दिबियापुर में साफ सफाई, दवाओं की पूर्ति और मरीजों के बारे में डॉक्टर से जानकारी दी। वहीं मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिया कि संक्रामक रोगों पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाए और कोरोना की रोकथाम के लिए नियमित रूप से सैंपलिंग की जाए। इसके बाद नोडल अधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों से सरकारी योजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी भी ली। विवाहिता की हत्या की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर परिजन और ग्रामीण एसएसपी आवास पहुंचे, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर मृतका के परिजन एसएसपी आवास पहुंचे और ग्रामीण के एसएसपी आवास पहुंचने पर भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंचे। एसएसपी आवास नगर कोतवाली के मोहन कुटी में ससुराल पक्ष के लोगों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया गया है। दिवाली से पहले परिवहन निगम ने भी कमर कस ली है, जहां विभाग द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश को 11 नवंबर तक रद्द कर दिया गया है। वहीं दिवाली की रात को भी परिवहन निगम द्वारा बसों का संचालन किया जाएगा। दिवाली के दौरान सभी लोग अपने घर आते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भाई दूज के दौरान बसों की भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आगरा परिवहन निगम के द्वारा बसों को रात्रि के साथ ही दिन में भी ज्यादा समय चलाया जाएगा, जिससे कि सभी लोग आसानी से अपने घर या रिश्तेदारों के यहाँ पहुंच सके। आगरा परिवहन के
आरएम मनोज कुमार पुंडीय ने बताया कि चालक और परिचालक को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मुसाफिर को उचित सुविधा प्रदान करने के लिए आरएम स्तर के अधिकारी ने बात करी और वहां पे मौजूद भी रहे। इस बार चूंकि कोरोना का असर काफी कम हो गया है तो उम्मीद है कि इस बार दिवाली पर भीड़ निकलेगी। पिछले 2 वर्षों का अनुभव अच्छा नहीं था, अतः इस बार सभी 550 बसें जो हमारे पास हैं उनको उतारा जाएगा। इस दिवाली की 2 नवंबर से 10 दिन की अवधि जो है 11-11 तक, और इसमें सभी बसों को रात्रि में संचालन जब यातायात उपलब्ध रहेगा विशेष तौर पर दिल्ली से चलाया जाएगा, जिससे बसों के जो फेरे हैं चक्कर हैं वो अतिरिक्त लग सकें। क्योंकि दिवाली के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बहुत सारे यात्री छठ त्योहार के लिए आते एवं जाते हैं। फतेहपुर जिला अधिकारी अपूर्व दुबे ने शिक्षा की अलग जगाने के लिए सराहनीय कदम उठाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी जिले के प्राथमिक विद्यालयों में जाकर छात्रों को नैतिक शिक्षा, जनरल नॉलेज का ज्ञान देंगे, साथ ही छात्र एवं छात्राओं को स्वच्छता के संबंध में भी जागरूक भी करेंगे। इसी कड़ी में सदर तहसील के तहसीलदार अखिलेश सिंह ने भिटौरा ब्लॉक मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालय में जाकर छात्रों से बातचीत की। बातचीत में जनरल नॉलेज के संबंध में बच्चों से पूछे गए प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हुए तहसीलदार। देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी बच्चे हैं, इनके प्रोग्रेस के लिए, इनको छोटी छोटी बेसिक जो जानकारियां हैं इनको मैनर्स सिखाने के लिए जिलाधिकारी महोदया ने व्यक्तिगत रूप से एक नया अपना ला करके प्रोग्राम ला करके सबको लगाया है इसमें कि बच्चे सीखें, प्राइमरी में बच्चों को जानकारी मिले। बेसिक जो जानकारियां हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, राज्यपाल जी कौन हैं, मुख्यमंत्री जी कौन हैं, बेसिक जानकारियां बच्चों को हो, साफ सफाई से आए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से हो, बच्चे ही भविष्य है देश का। इस प्रोग्रेस के लिए उन्होंने रखा है प्रोग्राम, उसी में मैं देखने के लिए आया। क्या नाम है? मेरा नाम गणेश सिंह है, मैं तहसीलदार हूँ। दिवाली से पहले रायबरेली में पटाखों का लाइसेंस पाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में उमड़ी, जहां ठंड होने के बावजूद भी देर रात लाइसेंस पाने वालों की लंबी लाइन देखने को मिली। इस दौरान मौके पर प्राइम टीवी संवाददाता ने पहुंचकर लाइसेंस पाने वालों की परेशानियां जानी। पटाखे के लाइसेंस के लिए रात 11 बजे से लेके खड़े हैं और 4 बजे से लाइन लगाए हुए हैं और ऑफिस खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा खुले ऑफिस, तो उसके बाद अपना लाइसेंस लेके हम आगे काम करें, फिर उसके बाद माल वाल पटाखे खरीद। पुरानी रंजिश को लेकर घर के बाहर सो रहे युवक को गोली मारी गई है। गोली पीड़ित युवक की बाजू में लग गई। गोली की आवाज सुनकर परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने तत्काल घटना की सूचना 112 पर दी। पुलिसकर्मियों ने घायल युवक को CHC बाह में भर्ती कराया, जहां घायल युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर आगरा रेफर कर दिया है, जहाँ SN मेडिकल कॉलेज में रेफर चिट्ठी नहीं होने पर चिकित्सकों ने घायल को भर्ती नहीं किया। पीड़ित के भाई ने SSP आगरा को पूरे मामले की जानकारी दी और अधिकारी के आदेश के बाद SN मेडिकल कॉलेज ने घायल का इलाज शुरू किया। नवागत कप्तान अनुराग के आते ही पुलिस एक्शन मोड पर एक्टिव हो गई है, जहां एक्शन लेते ही पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी तस्करों ने फायरिंग की है और इस दौरान मुठभेड़ में 3 तस्करों समेत 3 पुलिसकर्मियों को गोली लग गई है, जहां सभी घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। दीदारगंज थाने के दुबावा गांव में ये मुठभेड़ हुई है। थाना दीदारगंज क्षेत्र में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम दुबावा में कुछ व्यक्तियों द्वारा गोकशी की जा रही है। उक्त सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को आता देखकर गोकशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें 3 गोकश घायल हुए हैं
उक्त पुलिस इंगेजमेंट में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल चिकित्सीय सुविधा हेतु अस्पताल भेजा गया है, जहां उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। मौके से पुलिस को दो अवैध तमंचे, भारी मात्रा में खोखे और कारतूस, 3 चाकू तथा भारी मात्रा में गोमांस तथा गोवंश के अवशेष बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।